मझी आकाश रे आतंक एयर इंडिया विमान रे हाइड्रोलिक त्रुटि तमिलनाडु रो त्रिचिरु यूएई अभिमुखे बा यूएई रो सार्जा अभिमुखे जाउथवा एयर इंडिया विमान रे वैषयिक त्रुटि देखिबा को मिलिछि केतबळे भी एहा त्रिचि एयरपोर्ट रे इमर्जेंसी लैंडिंग करि पारे इंधन कम करने को आकाश में बारंबार चक्कर काटुची विमान तले विमान बंदर में जरूरी स्थिति पर 20 आंबुलांस और अग्निशम गाड़ी भी प्रस्तुत रखाई त्रिची एयरपोर्ट निर्देशक सूचना देखते बड़ गंभीर खबर मझी आकाश में फसी रही एयर इंडिया विमान हाइड्रोलिक त्रुटि कथा सामना को आसी विमान बंदर निर्देशकों तरफ तमिलनाडु त्रिचि यूएई सार्जा अभिमुखे एयर इंडिया विमान जा विमान हाइड्रोलिक रे कोनोसी त्रुटि परिलक्षित होईछि जोति पाई एयर इंडिया रे विमान जे कोनोसी मुहूर्त रे त्रिची एयरपोर्ट रे इमर्जेंसी लैंडिंग करी पारे जहां सूचना वर्तमान हस्तगत होउछि इंधन कम करबा को आकाश रे चक्कर काटुछि विमान टी वर्तमान तळे विमान बंदर रे जरूरी स्थिति को टैकल करबा पाई 20 टी एम्बुलेंस एवं अग्निशम गाड़ी प्रस्तुत रखा जाइछंती जो सूचना वर्तमान त्रिची एयरपोर्ट निर्देशक प्रदान करिछंती बड़ गंभीर खबर मझी आकाश रे एबे भी चक्कर काटुछि एयर इंडिया रे विमान एयर इंडिया रे हाइड्रोलिक त्रुटि परिलक्षित होइछि तमिलनाडु रो त्रिचिरु एयर इंडिया रे विमान टी यूएई रो सार्जा अभिमुखे जाउथला एवं एयर इंडिया रे विमान ने वैषयिक त्रुटि देखा दैछि केतबळे भी यहा त्रिची एयरपोर्ट रे इमर्जेंसी लैंडिंग करि पारे एबे आकाश रे बारंबार चक्कर काटुछि इंधन कम करबा पई एयर इंडिया रे विमान टी तले विमान बंदर रे जरूरी स्थिति को संभालिबा पई 20 टी एम्बुलेंस एवं अग्निशम गाड़ी को प्रस्तुत रखा जाइछि जहां सूचना त्रिची एयरपोर्ट निर्देशक वर्तमान देछंती इज विजुअल भी हमर हस्तगत होउछि तमिलनाडु त्रिचिरु यूएई रो सार्जा को विमान टी जाउथला एवं अचानक मझी आकाश रे हाइड्रोलिक रे त्रुटि पायलट चणिबा पई पाइथले एवं ग्राउंड स्टाफ को ए बाबत रे खबर दिया जायथिला जे कोनोसी मुहूर्त रे इमर्जेंसी लैंडिंग ये करि पारे तळे आपण मान देखुछंती जे सब प्रकार बंदोबस्त करा जाउछि तमिलनाडु त्रिचिरु यूएई रो सार्जा अभिमुखे विमान टी जाउथला एयर इंडिया रे विमान उथरे वैषयिक त्रुटि देखिबा पई मिलिछि हाइड्रोलिक रे किछ त्रुटि रहिछि एवं केतबळे दि त्रिचि एयरपोर्ट रे इमर्जेंसी लैंडिंग विमान टी करि पारे इंधन कम करबा पई आकाश रे बारंबार एबे विमान टी चक्कर काटुछि विमान बंदर रे जरूरी परिस्थिति को संभालिबा पई 20 टी एम्बुलेंस प्रस्तुत होई रही सारे और आपण देखुछंती अग्निशम गाड़ी भी प्रस्तुत रही जो सूचना वर्तमान त्रिचि एयरपोर्ट निर्देशक देखते अर्थात निर्देशकों तरफ सूचना आसी इमरजेन्सी लैंडिंग प्रस्तुति हाइड्रोलिक रे किछ त्रुटि परिलक्षित होईछि अर्थात लैंडिंग रे भी समस्या उपुजी पारे परवर्ती समय संभालिबा जदि दुर्भाग्यवशत कौन से दुर्घटना घटे इमरजेन्सी लैंडिंग समय जेतु हाइड्रोलिक रे त्रुटि परिलक्षित होईछि से समय ग्राउंड गियर जदि न लागे ताहाले 20 टी अग्निशम गाड़ी एवं आंबुलांस वर्तमान एयरपोर्ट रे प्रस्तुत करा जाय रखा जाउछि कौन से जदि दुर्भाग्यवशत कौन से परिस्थिति बिगड़ी जाए ताहाले ताकु संभालिबा पई वर्तमान आंबुलांस एवं अग्निशम गाड़ी से प्रस्तुत हो रही चंती जो सूचना वर्तमान त्रिचि एयरपोर्ट निर्देशक देउछंती मझी आकाश रे एबे भी एयर इंडिया रा विमान टी चक्कर काटुछि तार हाइड्रोलिक रे कोनोसी त्रुटि परिलक्षित होइछि तमिलनाडु रा त्रिचिरु यूएई रा सार्जा को जाउथला विमान टी एयर इंडिया रा विमान टी विमान रे वैषयिक त्रुटि परिलक्षित होइछि एवं जहां सूचना प्राथमिक भावर हस्तगत होइछि जे हाइड्रोलिक रे कोनोसी प्रकार त्रुटि रहिछि एवं जहां कुआ जाउ जे कोनोसी मुहूर्त रे त्रिचि एयरपोर्ट रे इमरजेंसी लैंडिंग ये करि पारे एबे इंधन कम करबा पई आकाश रे बारंबार चक्कर काटुछि विमान टी एवं तळे विमान बंदर रे जरूरी स्थिति को संभालिबा पई 20 टी एम्बुलेंस एवं अग्निशम गाड़ी को प्रस्तुत करा जाय रखा जाउछि जो सूचना त्रिचि एयरपोर्ट रो निर्देशक देछन्ते विधिवत सूचना आछि जे कोनोसी मुहूर्त रे एयर इंडिया रो विमान टी इमरजेंसी लैंडिंग करि पारे सेति पई तळे सब प्रकार रो बंदोबस्त करा जाउछि तमिलनाडु रो त्रिचिरु यूएई रो सार्जा अभिमुखे एयर इंडिया रो ए विमान टी जाउथला कैप्टन राज महापात्र जिकि जने पायलट अभिज्ञता रही आम सहित आलोचना करवा कैप्टन महापात्र स्वागत आपन को जेहेतु हाइड्रोलिक रे प्रॉब्लम अच्छी कहुची लैंडिंग गियर्स रे प्रॉब्लम हो पारे केमिति वर्तमान ताकु टैकल करा जिवो एवं केमिति इमरजेंसी लैंडिंग करा जिवो टिके स्पष्ट भाव में आपन ठारु आमे जानिया पई चाहिबु फास्ट आपन कर जो मेन लैंडिंग गियर हो बा नोज लैंडिंग गियर हो सो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड जेतर इलेक्ट्रिक ऑपरेट ना होए सेतर सेकंड ऑप्शन हो हाइड्रोलिक जो कि
ଆଉ ଏ କେସ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଦୁଇଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଫେଲ୍ ହୁଏ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଫେଲ୍ ହେଲେ ପାଇଲଟ ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ୍ ନଥାଏ, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବେଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ। ତାର ନେକ୍ସଟ ଥାର୍ଡ ଅପସନ୍ ହଉଛି ବେଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ସେ କମ୍ପଲସରି ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋସିଜର ଫଲୋ କରିବେ କଣ ବେଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହଉଛି, ଇଏ ଗ୍ରାଫିକାଲ ଇମେଜଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ରାଡାରରୁ ଯୋଉଠି ଏ ବିମାନଟି କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶରେ ଚକର କାଟୁଛି, ତାର ଡିରେକ୍ସନ ଆପଣମାନେ ଇଏ ଚିତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କ୍ୟାପଟେନ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ସହ ଟିକେ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କେତେ ସମୟ ଧରି ଏମିତି ଆକାଶରେ ତାକୁ ଚକର କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ୟା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଚକର କାହିଁକି କଟାଯାଏ? ଆମ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏ ବାବଦରେ ବତାନ୍ତୁ, ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନରେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲଟ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବେ ବା ବେଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବେ, ଏଟା ହେଉଛି ଭେରି କ୍ରିଟିକାଲ ଫେଜ୍। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବହୁତ ୱିଙ୍ଗରେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ଫୁଏଲ୍ କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ, ଫୁଏଲ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବେଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ତଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବି କରାଯାଉଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ 20ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ରଖାଯାଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଟ୍ୟାକେଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଥାନ୍ତୁ କ୍ୟାପଟେନ ରାଜ ମହାପାତ୍ର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲେଟିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନେବୁ ଏବଂ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବୁ, କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନ ହେବ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି। ବଡ଼ ଖବର କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଚିରୁ ୟୁଏଇର ସାର୍ଜା ଯାଉଥିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ, ଯିଏକି ଆକାଶରେ ଫସି ରହିଛି, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ୍ରିଚିରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବିମାନଟି କରିପାରେ।